हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरल ब्यूटी सुप्रीम। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ कुछ टिप्स जो हम मॉनसून सीजन में अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। मॉनसून सीजन में हमें अपनी स्किन की ज़्यादा केयर करनी होती है, क्योंकि इस सीज़न में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, खासकर ऑयली और एक्ने स्किन वालों के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले एक रिमाइंडर, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बारिश के मौसम में स्किन बहुत ही ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है, इसके लिए हमें अपने फेस को 2 बार फेस वॉश से वॉश करना चाहिए। इससे एक्स्ट्रा ऑयल और गंदगी साफ हो जाती है, पर याद रखिए, ज़्यादा फेस वॉश करना ठीक नहीं है। इससे स्किन का पीएच लेवल भी कम हो जाता है और स्किन ड्राई हो जाती है, बेजान हो जाती है। और हमेशा फेस को टैप टैप कर ही ड्राई करें, टॉवल से फेस को रगड़े नहीं, क्योंकि हमारे फेस की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो इससे नुकसान हो सकता है। चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे बारिश का हो, चाहे समर्स हो, चाहे विंटर्स हो, हमें पानी की मात्रा हमेशा ज़्यादा ही लेनी चाहिए। इससे हमारी बॉडी में पीएच लेवल और पानी की कमी नहीं होती है, जिससे हमारे फेस का ग्लो नहीं जाता है। और साथ ही साथ हमें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, जंक फूड को अवॉइड करें, इससे हमारे फेस पर ऑयल आना स्टार्ट हो जाता है, जिससे पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो अवॉइड करें बाहर का खाना। इस मौसम में अपने डेली रूटीन में टोनर को ज़रूर शामिल करें। इसके लिए आप रोज़ वाटर को कॉटन बॉल्स पर लगाकर अपने फेस पर लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छा एक टोनर है। टोनर से आपके फेस पर ग्लो आएगा और जो आपकी स्किन ड्राई हो गई है वो भी शाइन करेगी। मॉनसून सीजन में भी आप अपनी स्किन पर सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज ज़रूर करें, इससे आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। इस स्किन केयर के रूटीन में ज़रूर इसको फॉलो करें। इस मौसम में आप मेकअप को अवॉइड करें, हो सके तो ना ही करें, बहुत ज़रूरी है तो बहुत कम मेकअप करें, इससे आपके जो स्किन है वो ख़राब नहीं होगी। स्किन केयर रूटीन में आप साबुन को अवॉइड करें, और अगर आपके पास फेस वॉश नहीं है या ख़त्म हो गया है तो एलोवेरा जेल से ही अपने फेस को वॉश कर लें, ये बहुत ही एक अच्छा क्लींजर भी है। इससे स्किन ड्राई नहीं होगी और हेल्दी और ग्लोइंग रहेगी। वीक में एक बार स्क्रब भी करें, इससे डेड सेल्स रिमूव होंगे और नए सेल्स आएंगे, जिससे स्किन हेल्दी और सुंदर भी लगेगी। मॉनसून में ब्लीचिंग फेशियल को अवॉइड करें, इससे स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और स्किन को नुकसान पहुंचता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप दही का यूज़ करें, उसे अपने फेस पर लगाएं और 5 से 10 मिनट तक इसी तरीके से लगे रहने दें। उसके बाद अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें, इससे फेस पर एक नई जान आएगी और स्किन चमकने लगेगी। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप चावल का आटा लें या फिर पपीते का पल्प लें और उससे एक्सफोलिएट करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा और आपकी स्किन से जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे रिमूव करेगा और जो पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगी। ऑयली स्किन के लिए ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ टिप्स जिनको हम यूज़ करके अपने मॉनसून सीजन में स्किन केयर कर सकते हैं, अपनी स्किन का ध्यान रख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।